नमस्कार साथियों, हंसवाहिनी जीके क्लासेज में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत। मैं रणवीर सिंह राठौड़ और हम लोग पढ़ने वाले हैं साथियों राजस्थानी साहित्य। राजस्थानी साहित्य का जो बिंदु हमारा चल रहा है, सबसे पहले हमने राजस्थानी भाषा से संबंधित यानी उनकी बोलियां और उनके प्रकार, उनके क्षेत्र, उत्पत्ति, सभी चीजें, उनका वर्गीकरण सब पढ़ लिया। तो अब साथियों बारी आती है राजस्थानी साहित्य की। तो राजस्थानी साहित्य जैसे हम शुरू करें तो इस साहित्य के अंदर साथियों कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हैं उनके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। और उनमें ही सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो है राजस्थानी साहित्य की शैलियाँ। तो इस छोटी सी कक्षा में आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं, तो एक पूरी तरह से यानी तैयार हो जाइए। देखिए, सबसे पहले अपन बात करेंगे साथियों शैलियां। आपसे ये पूछा जाता है कि राजस्थानी साहित्य की शैलियां कौन कौन सी हैं, तो वो है साथियों एक तो डिंगल और एक पिंगल, याद है सब लोगों को। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज इन दोनों में फर्क क्या है, बस ये ध्यान रखना है। तो सबसे पहले डिंगल की बात करेंगे साथियों, ध्यान रखना, एक नाम याद करना, डिंगल में चारण कवि, ठीक है। चारण कवियों के द्वारा रचित जो साहित्य है वो किस शैली में मिलता है, डिंगल शैली में मिलता है। इस कारण डिंगल शैली को चारण शैली भी कहा जाता है। दोबारा सुन लीजिए, डिंगल शैली के अंदर चारण कवियों द्वारा रचित साहित्य मिलता है तो ये चारण शैली कहलाती है, ठीक है। पश्चिमी राजस्थानी जो है, लगभग पश्चिमी राजस्थानी में डिंगल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और जैसे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट याद करना कि जैसे आप बोला जाता है वैसा ही यहाँ पर क्या किया जाता है, लिखा जाता है। इस साहित्य की प्रमुख विशेषता है और इस शैली की, और इस शैली में जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है, ठीक है। बहुत सरल है, वीर एवं श्रृंगार रस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। साहित्य के अंदर आगे जब चर्चा करोगे, नौ रस, उसके बाद 11 रसों का भी उल्लेख मिलता है, तो नौ रसों की चर्चा हम करते हैं। श्रृंगार, हास्य, वीर, रौद्र, भयानक, विभत्स, इस प्रकार के रस, क्रूर, वात्सल्य, श्रृंगार, ये सारे जो रस आने वाले हैं वहां पर, तो हमें तो इनके बारे में चर्चा नहीं करनी। साहित्य के अंदर जब गहराई में व्याकरण पढ़ते हैं यानी साहित्य में हम अलंकार, एक तरीके से काव्य शास्त्र पढ़ते, तो उसमें हमें पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इतना गौर नहीं करना, तो जैसा बोला जाता है वैसा लिखा जाता है। वीर एवं श्रृंगार रस का प्रयोग किस शैली में, डिंगल शैली में। देखिए, डिंगल के बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट याद करना, डिंगल का हेरोंस किसे कहा जाता है, डिंगल का हेरोंस कहा जाता है पृथ्वीराज राठौड़ को। किसको कहा जाता है, पृथ्वीराज राठौड़ को, बीकानेर का, है ना, आपको याद होगा बीकानेर का पृथ्वीराज राठौड़ जो कि अकबर के दरबार में भी रहता था। तो इसकी जो प्रमुख जो ग्रंथ है वो देख लीजिए क्या है, वैली कृष्ण रुक्मणी। वैली कृष्ण रुक्मणी इसका महत्वपूर्ण ग्रंथ है और इसे कहा जाता है डिंगल का हेरोंस। पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हेरोंस किसने कहा था, एलपी टेसिटोरी ने, जो कि इटली के विद्वान है, लुई, है ना, लुईजी पी टेसिटोरी। अब देखिए साथियों, दो नंबर, इसमें भेद हमें थोड़ा सा देखना है। इसके अंदर मैंने बताया कि डिंगल चारण कवियों के द्वारा, पिंगल में इतना याद रखना है कि पिंगल की जो यहां पर साहित्य रचना करते हैं भाट, यानी भाटों द्वारा साहित्य रचना किसके द्वारा होती है, भाटों के द्वारा। इस कारण इसे कौन सी शैली कहते हैं, भाट शैली। और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है राजस्थानी प्लस ब्रज भाषा, बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, राजस्थानी प्लस ब्रज भाषा दोनों का मिश्रित रूप इस पिंगल शैली में मिलता है, ठीक है। वैसे पिंगल शास्त्र है ना, छंद शास्त्र की रचना अपन चर्चा करते हैं, लेकिन यहां पर देखिए मैं आपको बता रहा हूं राजस्थानी प्लस ब्रज भाषा का मिश्रित रूप ही क्या है, पिंगल शैली में लिखा जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, साहित्य रचना भाटों के द्वारा की जाती है और इसलिए इसे क्या कहेंगे, भाट शैली कहेंगे, चारणों के द्वारा चारण शैली, और पृथ्वीराज रासो इसी में लिखा गया है, किसमें, पिंगल में, पिंगल शैली में। वंश भास्कर, हमीर रासो, है ना, जानते होंगे वंश भास्कर, सूर्यमल मिशन, पृथ्वीराज रासो, चंद बरदाई, हमीर रासो, सारंगधर व जोधराज, आप जानते होंगे। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये आ गया आपकी मतलब दो शैलियां, कौन कौन सी, डिंगल और पिंगल, ठीक है, दोनों को याद रख लेना, चारण चारण शैली, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, जैसा बोला जाता है वैसा लिखा जाता है, वीर और श्रृंगार इधर क्या याद रखना, पिंगल शैली के अंदर मैंने आपको बता दिया कि राजस्थानी प्लस ब्रज भाषा का मिश्रण है दोनों का, ठीक है, भाटों द्वारा तो भाट शैली, ठीक है, तो ये भी याद कर लेना। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और चर्चा करते हैं राजस्थानी साहित्य साथियों, अलग अलग रचनाकारों के द्वारा लिखे गए उनके, है ना, उनके शिल्पगत कह सकते हैं अपन लोग, उनकी रचना का जो है ना
किस प्रकार का विषयगत यानी उसका विषय क्या था रचनाओं में, उनकी शैली क्या थी, उस आधार पर इस साहित्य को पांच भागों में बांट दिया। कितने भागों में? पांच भागों में। ज्यादा यहाँ रट्टा मारने वाली कोई चीज नहीं है, केवल आपको थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए। तो राजस्थानी साहित्य रचनाकारों की शैली एवं विषयगत विभिन्नता के आधार पर पांच भागों में विभाजित कर दिया गया। रटना नहीं, सीधा लिख लिया राजस्थानी साहित्य पांच भाग, ठीक है। अब आगे क्या लिखना? चारण साहित्य। देखो नाम से ही पता चल जाएगा, नाम इनके याद रखने जरूरी, इतने में सब कुछ हो जाएगा। चारण साहित्य चारण कवियों के द्वारा डिंगल में रचित है। किसमें है? डिंगल में। अभी चर्चा की थी डिंगल शैली को चारण शैली कहते हैं। श्रृंगार और विरस का प्रयोग इसमें किया जाता है, क्योंकि इस शैली की विशेषता है तो इसमें भी हो जाएगा, ठीक है। और देखिए साथ में भाट और डांडी भी है। यहाँ पर थोड़ा सा गौर कर लेना, कंफ्यूज नहीं होना। आप सोचोगे कि भाई भाट तो पिंगल में है तो पिंगल इसमें कैसे आ जाएगा? अरे भाई पिंगल ना मतलब वो भाट और डांडी कैसे आ जाएंगे? आप सोचोगे भाट उधर है, ये तो शैलिया की बात हो रही थी। अब ये चारण साहित्य है, अधिकतर डिंगल साहित्य इसमें लिखा गया, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि चारण लोगों ने क्या है पिंगल में रचना नहीं रची है, भाटों ने रचना नहीं रची, रचना तो रची है, तो ये थोड़ा सा ध्यान लेना, ठीक है। तो आप देखिए राव जयसिरो छंद इसी का है, चरण साहित्य के तहत आता है। राव जयसिरो छंद बिठू मेहा है ना, और बिठू सुजा की चर्चा करते हैं हम उधर, बाबूजीरो छंद की चर्चा करेंगे। और ये है अचलदास खींचेरी बचनी का, साथियों अचलदास खींचेरी बचनी का, जैसे ही शिवदास गार्डन की चर्चा करेंगे, आगे पढ़ेंगे सब कुछ। और जैन साहित्य देखिए अगला फैक्ट आ गया, जैन साहित्य नाम से ही पता चल रहा है, जैन साहित्य जैन आचार्यों के द्वारा, वैसे नाम मिलेंगे जैन आचार्यों के द्वारा, मुनियों यतियों और श्रावकों, ठीक है। ये सारे शब्द जैन धर्म से संबंधित है, तो ध्यान रखना जैन साहित्य जैन आचार्यों ने जैन धर्म के मानने वाले जो लोग हैं उन्होंने जो साहित्य रचा वो जैन साहित्य कहलाया। साथियों देखिए अब अगली बात और इम्पोर्टेंट है, नीति श्रृंगार एवं सामाजिक जीवन से संबंधित इनकी क्या रचनाएं मिलती है? नीति श्रृंगार एवं सामाजिक जीवन से इनकी रचनाएं मिलती है, ठीक है। ये ध्यान रखना, मतलब ये इनका विषय है रचनाओं का जैन साहित्यों का। और कुछ रचनाएं देखिए, भरतेश्वर भावबली रास हमने चर्चा की थी, प्राचीन रचना थी जब हमने पढ़ रहे थे तो ये भी पढ़ा था। तो भरतेश्वर बाहुबली घोर और एक है भरतेश्वर बाहुबली रास, दोनों के रचनाकार क्या है? ट्रिक बताया आपको, घोर क्या होता है? वज्र होता है, तो वज्र से ने सूरी बाहुबली रास है ना। यहाँ पर भी मैंने बताया था आप लोगों को, अगर आप लोगों को याद है तो जैसे ही हम लोग क्या पढ़ते हैं भरतेश्वर बाहुबली रास तो साली भद्र सूरी, मैंने बताया था कि भरतेश्वर बाहुबली रास क्या आ जाता है, साली साली भद्र सूरी, ऐसे बताया था आपको, याद हो गया था। संत साहित्य की चर्चा करेंगे साथियों, तो मध्यकाल भक्ति आंदोलन में संतों द्वारा, संत साहित्य से नाम से पता चल रहा है भक्ति काल में लिखा गया संत साहित्य है ना, मध्यकाल के आसपास लगभग है ना, यहाँ पर भक्ति आंदोलन जो हुआ था। राजस्थान के जितने भी हम संत पढ़ते हैं ना, संत संप्रदाय, वो इसी के तहत आते हैं। तो संतों के द्वारा लिखा गया साहित्य लोक साहित्य, साथियों लोक साहित्य देखिए, लोक साहित्य की जैसे चर्चा करोगे तो लोक साहित्य से क्या तात्पर्य कि लेखक का पता नहीं, यानी यहाँ पर यहाँ की जो रचना होती है वो अज्ञात होती है, किसने लिखा है ना, इसका कोई स्रोत नहीं है, ठीक है। कहीं ना कहीं कभी ना कभी लिखा तो हो गया था किसी, सबसे पहले किसी ने तो कहा था, लेकिन ये कोई उल्लेख नहीं मिलता। तो ये लोक साहित्य वो होता है जिसकी रचना का उल्लेख नहीं होता। और इस जैसे कि उदाहरण के तौर पर लोक गीत है, अब ये नहीं पता किस लोक गीत ने किस व्यक्ति ने सबसे पहले गाया, ये कोई उल्लेख नहीं है। तो ध्यान रखना लोक गीत, लोक कथाएं जो प्रचलित है, कहानियां आप सब लोग जानते हो, और लोकोक्ति है ना, लोकोक्ति जो कि यानी लोगों के मतलब लोगों की कही हुई उक्ति, वो भी प्रचलित है, वो भी लोक साहित्य में आएगी। पहेलियां है ना, मुकरियां, हम आडा आडी भी कहते हैं, आप सब लोग जानते होंगे, तो वो इसमें आता है। अब है ब्राह्मण साहित्य साथियों, क्या है? ब्राह्मण साहित्य, और इसी को संस्कृत साहित्य भी हम कह लेते हैं क्योंकि विशेषकर ये संस्कृत भाषा में होता है। तो ये पंडितों ब्राह्मणों और विद्वानों के द्वारा रचित साहित्य वो क्या कहलाता है? आपका ब्राह्मण साहित्य कहलाता है। तो दोबारा एक बार गौर कर लीजिए, आज हमने क्या पढ़ा है? दो शैलियां डिंगल और पिंगल, चारण और भाट, ठीक है। और इसमें मैंने आप लोगों को अच्छी चीज ये बताई थी, जैसा लिखा जाता है वैसा, जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। इसकी क्या है? इसकी प्रमुख विशेषता ये कि राजस्थानी और ब्रज भाषा मिश्रित है, ठीक है। और इधर यानी पांच हमने पढ़ी, पांच यानी अपने एक प्रकार से पांच प्रकार का विभाजित कर दिया साहित्य को, किस किस में? चरण साहित्य, जैन साहित्य, संत साहित्य, लोक साहित्य और ब्राह्मण साहित्य, इनकी छोटी छोटी बातें हमने पढ़ ली। तो ये छोटी सी क्लास शायद आपको पसंद आएगी, आपकी अगली कक्षाओं के लिए आप लोगों के लिए ये ना बहुत ही ज्यादा अच्छी सिद्ध होने वाली है साथियों ये। तो अब मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, मिलूंगा अगली कक्षा में जल्द ही। जय हिंद साथियों, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद की सेना।